भारत की विशेषता ये है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है, अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया, लेकिन भारत कुछ अलग है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया, संशोधन किया और संवर्धन भी किया। श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। यहां शिवगिरी तीर्थ के जरिए वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदा मठ में मां सरस्वती की आराधना भी होती है। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया, समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया और भारत को उसके यथार्थ से परिचित करवाया। और वो कालखंड सामान्य नहीं था। रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ये छोटा मोटा काम नहीं था, आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नारायण गुरु जी ने करके दिखाया। उन्होंने जातिवाद के नाम पर चल रहे ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है, उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना ये हमारी प्राथमिकता रहा है। और इसीलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।